Hi guys, welcome back to my channel. I know guys, I missed you all so much. I know कि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं छोड़ रही थी, लेकिन उसका बस ऐसा ही सिंपल रीजन नहीं है कि तबीयत खराब था एंड ऑल ये सब ऐसा वैसा कुछ नहीं. द रीजन बिहाइंड दिस इज कि मैं शिफ्ट कर रही थी एकदम से पूरा उड़ीसा से अलग एक सिटी में, अलग एक टाउन में, उड़ीसा से बाहर. तो शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसको प्लानिंग करना एंड ऑल, अचानक से सब पूरा एकदम लेकर आना एंड ऑल. मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी कि मैं कैसे शिफ्ट कर रही हूँ एंड ऑल, मैंने सोचा था वो सब, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन हो गया सब. तो अभी मैं हूँ कोलकाता में. तो यस, मैं जो बोल रही थी कि हम लोग एक नए टाउन में जा रहे हैं, नए सिटी में, तो हम लोग कोलकाता आए हैं. लेकिन दिमाग में ना कुछ और था कोलकाता के बारे में पहले, आने के बाद ये हमारा 10 डेज हो गया है, कुछ और ही है. जो हमने सोचा था कुछ वैसा एक्चुअली है नहीं, उतना हैप्पी वाइब्स ना नहीं आ रहा है. लाइक यहाँ सब कुछ उल्टा है जो हमने एक्चुअली में सोचा था. तो यस, बट हाँ, हम आ गए हैं. तो इसीलिए गाइस, ये जितना भी पूरा दिवाली भी एक्चुअली हमने यहाँ पे ही थे दिवाली में. मैं तब से सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी ब्लॉग एंड ऑल, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि सब यहाँ पे आने के बाद रूम वूम सेटल करके सब खरीदना सामान एंड ऑल, उसके बाद फिर से भुवनेश्वर हमें जाना पड़ा प्रिया के चेकअप के लिए. वो उधर से घर से आई थी और मैं और प्रीति यहाँ से गए थे. तो फिर क्योंकि वहाँ पे ही हम आमरी हॉस्पिटल में उसका चेकअप चल रहा है, तो वैसे ऐसे ही कुछ कुछ होने के कारण ये जो लॉन्ग टाइम था मैं वीडियोस नहीं डाल पाई. और ये ट्रेन में जर्नी में मेरा तबीयत इतना ख़राब हुआ ठंड के कारण. मुझे एक्चुअली ठंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरा गला गर्दन सब फूल जाता है, हेडेक और नाक पूरा एकदम बुखार. ठंड में मेरा अलग ही ठंड के लिए सो तबीयत बहुत ख़राब था कुछ दिनों से, अभी अभी ठीक हुआ है. तो अभी से आपको रेगुलर वीडियोज़ देखने को मिलेगा गाइस, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये जो टाइम था थोड़ा सा इतना कुछ चल रहा था ना, तो हाँ. और आपको उतना भी तो डिटेल्स में मैं नहीं बता सकती, मतलब बताने जाओगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा वीडियो. बट यही है रीज़न कि हम लोग शिफ्ट कर रहे थे. तो अभी प्रीति और मैं है इस यहाँ पे कोलकाता में, और अभी मैं बहुत सारी कंटेंट नया बनाऊंगी, बहुत कुछ सोच के रखी हूँ. तो अब थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि कैसा है एरिया, कहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रीट कैसा है, लोग कैसे हैं. तो धीरे धीरे आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा बहुत सारा. सो या लेट्स गो. अभी मैं थोड़ा सा तैयार शैयार होके बाहर निकलूंगी, कुछ कुछ काम है. एंड यस गाइस, मैं रेडी हूँ, अब थोड़ा सा बाहर जाना है. मतलब मैंने कहा था आपको कि शाम को बाहर जाऊंगी, और जो यही बस मैंने एक सिंपल सा कुर्ता टॉप पहन लिया है, जिसके ऊपर ठंड अभी उतना ज़्यादा भी नहीं है, इसीलिए कुछ स्वेटशर्ट विंटर का मैं नहीं पहन रही हूँ. और दिस इज माय आउटफिट, एंड साइड में आप देख सकते हो बैठी है आराम से. वो एकदम परेशान हो रही है कि जल्दी कर, जाना है हमको, भूख लगा है, और तू अभी बैठ के बना रही है. एंड प्लीज गाइस इग्नोर द मेस, आप लोगों को सब दिख रहा होगा, क्योंकि अभी कुछ सेटल नहीं हुआ है अच्छे से, इसीलिए सब फैला हुआ है. एंड यस, बाहर चलते हैं. मैं फर्स्ट टाइम आज ढोकला ट्राई करने वाली हूँ, सो मैं आपको बताऊंगी कैसा लगा. चल so beautiful guys, कितना मस्त लग रहा है चलने में, देखो कितना
इतना मस्त लग रहा है रोड यहाँ पे, हमेशा हर पूजा में ऐसे ही ये लोग सजाते हैं, इससे ज्यादा सजाते हैं। ये तो बस छोटा मोटा कुछ जगरात पूजा है। यहाँ पे दशहरा और दिवाली, रिसेंटली जो काली पूजा गया उसमें तो इतना अच्छे से सजाते हैं ये लोग कि क्या ही बताऊं। So beautiful, so beautiful. यहाँ पे गली गली में पूजा होता है गाइस, और पूरा रोड ऐसे ही सजाते हैं ये लोग। एंड यस, तो हम लोग अभी बैठे हैं, इसको बोलते हैं टुक टुक, मतलब रिक्शा नॉर्मल, ऐसा होता है। यहाँ पे आपको ऑटो ना नहीं मिलता है उतना आसानी से, ऐसे गली गली के अंदर ऐसे ये टुक टुक रिक्शा ये सब मिलता है, क्योंकि बहुत दूर है मेन रोड से, तो हमें ऐसे ही जाना पड़ता है। वो देख रहे हो, और दो लोग ही आराम से बैठ पाएंगे इसमें। मास्क का है तेरा, सेफ्टी फर्स्ट, फिर भी हमें बैठना है। ओके, तो हम अभी जाते हैं, सबसे पहले खाते हैं, देन आपको बाकी सब दिखाते हैं। बिटिया का बच्चा खाएगी कहीं तक नहीं। नहीं, अपना ही खाना, अपना वाला खाना खाओ, खाओ। देखने में ही कितना यम्मी लग रहा है, एकदम रबड़ी जैसा है ना। तो हम लोगों ने मीठा खा लिया, मुँह के मीठा खाने में तो टेस्टी लगता है, खाने के बाद एकदम मुँह का हालत बैड बन जाता है ना, क्या है। तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे, ओरिजिनल ऐसा उतना अच्छा तो गुपचुप नहीं मिलता है, लेकिन हाँ हमने एक दुकान ढूंढ ही लिया जहाँ पे बहुत टेस्टी गुपचुप मिलता है, और इतना बड़ा बड़ा मैं आज हम लोग खा लिए ऑलरेडी, इसलिए हमने आपको नहीं दिखाया, नेक्स्ट कभी दिखा देंगे, इतना बड़ा मिलता है, इतना बड़ा होता है।
ये है वो गुपचुप, हाँ ये है वो गुपचुप दुकान, एंड ये है मोमो, सॉरी ये है गुपचुप दुकान और ये है मोमो दुकान। यहाँ पे मोमो भी बहुत टेस्टी मिलता है, टेस्टीएस्ट मोमो एवर जो हमने खाया है। भुवनेश्वर में ऐसा मोमो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बहुत यमी है। ये लोग सूप भी देते हैं इसके साथ, मस्त लगता है। सो लेट्स गो, थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये है हाटो, मतलब मार्केट, फिश मार्केट, लेकिन हम नहीं खाएंगे फिश, लेकिन चलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। एक्चुअली हम गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लेकिन हम रिटर्न आ चुके हैं, लिए नहीं, क्योंकि मेनली हमें आज चाहिए था जो चावल, तो उसका जो दुकान यहाँ पे हम लोग जो चावल खाते हैं ना वो नहीं मिलता है, मतलब मिलता है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है और वो सब यहाँ पे लोग कम खाते हैं। उड़ीसा में बहुत सस्ता है, मिल जाता है, जो उड़ीसा में 40 है किलो, यहाँ पे है वो 55 किलो। रुक बनाना लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो हमने अब कुछ लिया नहीं इसीलिए कल सुबह आएंगे, और वेजिटेबल्स भी फ्रेश नहीं था उतना इसीलिए हमने कुछ लिया नहीं। और मैंने थोड़ा बहुत आपको मछली दिखाया है, यहाँ पे ना बहुत एकदम क्या ताज़ा एंड फ्रेश जिंदा मछली, क्या बोलूँ उसको, वही मिलते हैं जो हमारे उधर उड़ीसा में नहीं मिलता है, यहाँ पे है। और प्राइस बहुत ज़्यादा है, 500 किलो, 700 किलो। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इलिश, जो बंगाली लोगों का फेमस मछली है, सबसे ज़्यादा प्राइस होता है। हमारे उधर 1200, 1400, 1600 ऐसे मिलता है किलो, तो हमने ऑलरेडी उसे खा लिया है ना। कैसा था मछली वो इलिश? अच्छा था, वो खा लिया और निकल भी गया। हाँ, खा लिया निकल गया, लेकिन बहुत टेस्टी था सच में। और बाकी भी बहुत है जो सब पूरा जिंदा मछली जिंदा जिंदा मछली, मैं नेक्स्ट कभी आपको दिखाऊंगी। आज अभी मैं फ्रूट्स लेने आई हूँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए कल, तो अब रूम चले जाएंगे। एंड हियर इज अनदर पूजा पंडल, लुक एट दैट गाइस, सो प्रिटी, लुक एट दैट लाइट्स। ये हमारा एरिया है, हमारा कॉलोनी है ये, यहाँ पे ये हम लोगों का पूजा हो रहा है। और मैंने पहले जो दिखाया वो और एक जगह पे हो रहा था, तो यहाँ पे मतलब एक एक सोसाइटी में ऐसे पूजा होता है। लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये लाइट्स। आज एक्चुअली लास्ट डे है पूजा का, 3 दिन से चल रहा है, तो प्रसाद भी दे रहे थे। आपको थोड़ा सा भगवान जी को दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो हम बाहर से आ गए हैं, मैंने उतना भी ज्यादा आपको एक्चुअली दिखाया नहीं क्योंकि थोड़ा सा ठंड भी लग रहा था, अंदर पता नहीं चला, लेकिन बाहर जाने के बाद ठंड लग रहा था। और मेरा यहाँ पे आने के बाद ऑलरेडी मैं बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एंड फीवर एंड ऑल से एकदम, आप सबको मैंने बताया क्या क्या हुआ एंड ऑल सब, तो वही, तो मैं बहुत टाइम रहना नहीं चाहती थी। ऊपर से राइस का जो शॉप था वो बंद था, इसीलिए मैंने और कुछ वेजेस वगैरह भी नहीं खरीदा, तो चले आए इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। मैं जल्द ही और ब्लॉग्स लाऊंगी, कोलकाता के ऊपर जाएंगे शॉपिंग करने, एक चांदनी चौक है जहाँ पे सब बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, जैसे दिल्ली में होता है सरोजनी नगर, वैसे ही कुछ टाइप का। तो बहुत ही जल्द
एंड फिर जारा भी है यहाँ पे, आप लोग को देखने को मिलेगा सब ब्लॉग में, जल्द ही लाऊंगी। अभी एक थोड़ा सा आने के बाद हो गया है तो अभी मैं कंटिन्यूस छोड़ूंगी। सो या गाइस स्टे ट्यून्ड, मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ एंड उतना और ज्यादा मैं लंबा नहीं करती हूँ। या बाय बाय गाइस, आई विल सी यू सून विद अनदर न्यू वीडियो एंड अनदर न्यू ब्लॉग। बाय।